नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लैमिनेशन रिपोर्ट। बिहार सरकार के जल संसाधन एवं योजना विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज जमुई सदर प्रखंड अंतर्गत सनकुराहा गांव में केनरा के वित्त सहयोग से देवघर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से 9 स्थापित राइस प्लांट के संस्थापक एवं बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य जय प्रसाद ने अवगत अतिथियों का विनम्र भाव से स्वागत किया। मंत्री ललन सिंह ने बिहार के विकास को लेकर कई फैक्ट्री और कई कारखाने की खुलवाने की बात कही, जिसके लेकर उन्होंने बताया कि बिहार में जो संभावना है वो कृषि पर आधारित उद्योगों की ही संभावना सबसे ज्यादा है, इसलिए कि जो किसी भी उद्योग के लिए जो उसका रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल यहाँ कृषि का रॉ मटेरियल उपलब्ध है। कोई माइंस और मिनरल तो है नहीं, और कोई भी दूसरे उद्योग कोई लगाएंगे तो उसके लिए बाहर से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है। तो इसलिए एक तो हम लोग इसलिए बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं केंद्र सरकार से, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जा में जो टैक्स होता है वो टैक्स माफ हो जाता है एक समय तक, तो वैसे में उद्योग को स्थापित होने का मौका मिलता है। तो एक तरफ तो हम लोग वो मांग कर रहे हैं, वो अगर हो जाएगा तो अन्य उद्योग भी यहाँ लग पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में जो यहाँ संभावना है वो संभावना है कृषि पर आधारित और कृषि उत्पाद पर आधारित। राइस मिल यहाँ खुला, मेज पर आधारित उद्योग यहाँ की संभावना यहाँ है, इथेनॉल के उद्योग की संभावना यहाँ है, चूँकि केतारी और ईख का होता है तो ईख के कारण इथेनॉल की संभावना है। तो इस तरह टमाटर का पर्याप्त है तो टोमेटो बेस्ड उद्योग की यहाँ आवश्यकता है और वो वायबल हो सकता है, वो यहाँ मुनाफे का है। तो इसलिए मैंने कहा कि कृषि पर आधारित उद्योग उसकी संभावना